ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी के परिवार, गुरुजी टुडे ब्लेसिंग्स में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि डेली अपलोड होने वाले बड़े मंदिर वाले प्यारे से गुरुजी के सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुँच सकें। अपना सत्संग गुरुजी के इस प्यारे से चैनल पर अपलोड करवाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हमारे व्हाट्सअप नंबर पर अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो किसी भी फॉर्मेट में हमें भेज सकते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा और ब्लेस सत्संग है और ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया गुरु जी की बहुत ब्लेस संगत हैं, जबलपुर से प्रतिमा सिंह आंटी जी ने। हाँ जी, जबलपुर से प्रतिमा सिंह आंटी जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर किया। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने गुरु जी से आज्ञा लेकर गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा पहला है गुरु जी से जो भी जुड़ी हुई मैं। मेरी लाइफ उसमें ज़्यादा दिन का भी वो नहीं है, अभी जस्ट ही गुरु जी से मैं एक महीना हो गया मुझे। और मैं थोड़े से डिप्रेस रहती थी लाइफ में, थोड़ा सा अप्स एंड डाउन, पर्सनल जो भी जैसा हाल आ गया उनको सब पता। संगत जी, हमारे गुरु जी को सब कुछ पता है। मैं हमारा न्यू घर बन रहा है, वहाँ पे मैं ऐसे शांत होके बैठी थी। गुरु जी का ऐसा यूट्यूब मैंने ऑन किया तो ऐसे एक दो नॉर्मल मतलब मैसेजेस थे बॉलीवुड में जो भी है उनके, तो मैंने ऐसा देखा, मैंने ध्यान नहीं दिया उस चीज़ को। फिर मैंने देखा, फिर मैसेज उनके आने लगे और गुरुजी ऐसे हैं कि उनके बारे में क्या ही बोले। वो हमारे दुख सुख एक सी छोटी सी छोटी बात सब गुरुजी को पता है। संगत जी, अगर कुछ गलती हो तो माफ़ करिएगा। संगत जी, गुरु जी से मेरी बहुत अटैचमेंट है, इसलिए क्योंकि उस समय जब मैं इतनी डिप्रेस थी तो गुरु जी मतलब सारी बातें बिन बोले, और मैं सोचते हैं ये कैसे हो जा रहा है, ये कैसे हो जा रहा है। मेरी लाइफ में बहुत बड़ा ऐसा अभी जर्नी नहीं है जैसा कुछ दिन की बात है, लेकिन हाँ, गुरु जी ने अपनी उपस्थिति हर जगह मुझे बताई और हर जगह मेरा हाथ पकड़े। मुझे जहाँ भी लगता है ऐसा तो गुरु जी वहाँ पे हमेशा मुझे साथ देते, हमेशा दिख जाते हैं। जैसे कि मैं अगर बोलूँ, मैं अगर छत पे गए हैं सूर्य देवता को ऐसा प्रणाम करने जल देने, तो गुरु जी को शुक्राना के उनको मंत्र भी मैं बोलती, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी तुरंत दर्शन देते थे बटरफ्लाई के रूप में, तुरंत। और जब मैं फिर कभी छत पे जाती तो नहीं दिखते, तो गुरु जी नाराज हो गए या गुरु जी मुझे आज दर्शन नहीं दिए। फिर मैं छत पे चली आती, फिर मैं बालकनी में जाती तो वहाँ मुझे छोटी छोटी तितलियाँ, येलो कलर की, वाइट कलर की, ब्राउन कलर की तितलियाँ दिख जाती थी। मैं इतनी खुश होती थी, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना लख लख शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, कुछ अगर गलती हो जाए तो प्लीज़ माफ़ करिएगा। फिर गुरु जी के मैसेजेस आते थे, कुड़िए मैं तेनू दर्शन देवांगी, ऐसे ऐसे मैसेज आते थे। मैं बोली गुरु जी कैसे दर्शन देंगे। फिर उनका रूप तो भोलेनाथ बाबा का है। मैं ऐसे अपने घर में बगल में बाहर में साफ कर रही थी, हालांकि हमारे घर में भोले बाबा छोटे ऐसे फर्श पे दिख जाते थे तो उनको ऐसा करके बाहर कर देते थे। उस दिन क्या हुआ, मैं पीछे साफ कर रही थी तो उस दिन मैसेज मुझे आया था करके कि मैं आपको दर्शन दूंगा ऐसा करके।
तो माइंड में था वो चीज़ें। मैं गुरुजी की छोटी छोटी बातों पे बहुत ध्यान देती थी, क्योंकि मैं बहुत सारे मैंने संगत जी अपनी अपनी स्टोरी सुनाती हैं, तो मैंने बहुत ऐसा मतलब ध्यान दिया है कि भोले बाबा, तो उन्होंने भोले बाबा मतलब उनके दर्शन सांप के रूप में, बच्चे उनके छोटे छोटे से वो वहीं पे दिखे, और 2 मिनट भी नहीं हुआ, मतलब सेकंड सेकंड भी नहीं हुआ, मतलब 5 ही सेकंड 7 सेकंड वो वहाँ से गायब हो गए। मैं हैरान हो गई। फिर मुझे वो बात याद आई, गुरु जी की मैसेज। मैं इतनी खुश हो गई, मैं बता नहीं सकती, मैं बहुत खुश हो गई। फिर ऐसे गुरु जी का मैसेज आया था कि कुड़िए मैं तेरे घर चाय पीने आंदा, और चाय मैंने मिट्टू पसंद है। तो संगत जी बोले गुरु जी आएंगे, हालांकि अंदर से मुझे मतलब थोड़ा सा वो भी लगता था, और घर में मैंने ऐसा किसको चर्चा नहीं किया, मैंने बताया नहीं था ऐसा करके कि मैं ऐसा ऐसा करती हूँ मैं। तो फिर मैं बोली अच्छा, तो मैं उस दिन मेड आई क्लीनिंग करके चली गई, और मैं जैसे ही जा रही थी डेली का वर्क कंप्लीट करके नहा धो के पूजा करने, तो वैसे ही पापा जी आए, मेरे ससुर जी, उनने बोला कि जीजा जी आए करके। फिर मुझे ध्यान आया, और उस दिन सुबह का 1 घंटे पहले का मैसेज था कि गुरु जी ने कहे थे कि घर पे आएंगे और चाय पियेंगे। तो संगत जी मैं इतनी खुश हो गई, मैं इतनी खुश हो गई, मैं क्या बताऊँ मैं आपको। फिर मैंने चाय बनाई, उनको दिए, पिए चाय प्रसाद पिए, फिर मैं चली गई अपना काम करने। और एक बार की बात और ऐसे बताती हूँ संगत जी, मेरा मैं जब संगत जी ऐसे अपने सत्संग में बताते हैं कि गुरु जी का स्वरूप बड़े मंदिर से मिलेगा, उसे ब्लेसिंग हो रहती है, तो मैं भी, मेरा मन भी था गुरु जी का, मुझे भी स्वरूप उनका मिल जाए, बहुत मन था अंदर से। तो मौन, माफ करिएगा संगत जी, अंदर से तो मन मेरा बहुत बहुत विचलित था, बहुत। गुरु जी के सामने जब भी मैं बैठती थी, बस मुझे रोना आता था, बस रोना आता था, कुछ ऐसा शब्द निकलते नहीं थे, सिर्फ रोना आता कि मालिक आप तो सब जानने वाले हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं मंत्र जाप करने लगी गुरु जी का, बस उनके सामने बैठती थी। फिर मन धीरे 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 थोड़ा सा शांत हुआ, थोड़ा सा यहाँ वहाँ के काम में ध्यान लगने लगा, डिप्रेस थी, धीरे 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 याद आती थी वो चीज़ें, लेकिन बहुत अंदर से मन में करती थी, गुरु जी को याद करती थी। फिर शांत हो जाता था मन धीरे धीरे, थोड़ा सा लाइफ अपना सेटल थोड़ा सा, लेकिन गुरु जी लख लख शुक्राना, गुरु जी लख लख शुक्राना, जय गुरु जी। मेरा मन, फिर जब मैं वो लॉकेट की बात, स्वरूप गुरु जी का स्वरूप का दिमाग में आया कि मुझे भी गुरु जी का स्वरूप चाहिए, तो फिर कोई संगत जी ने अपने सत्संग में बताया थे कि गुरु जी का स्वरूप जो होता है वह बड़े मंदिर से ब्लेस करके ही मिलता है, ऐसा बाहर से ऑनलाइन करके या फिर गूगल से करके नहीं कर सकते, उनमें वो ब्लेसिंग नहीं रहती है। संगत जी, अब मेरा मन अंदर से था कि मैं गुरु जी का स्वरूप में चाहिए, मुझे ब्लेस करे गुरु जी। फिर मैसेज आया कि कुड़े नहीं जा सकती, तो निकाल के इमेज ले सकते हैं, उसमें भी बाबा गुरु जी की ब्लेसिंग रहती है, माफ़ करिएगा संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग रहती है। मैं बहुत बहुत खुश हो गई, मैं बहुत खुश हो गई, मैं बता नहीं सकती ना संगत जी, मैं बहुत खुश हो गई। मैं मतलब जहाँ जहाँ मेरे मन में कुछ दुविधा होती, डाउट होता, तो तुरंत गुरु जी आके मुझे आंसर्स देते, बेटा ऐसे नहीं ऐसे करो, बेटा ऐसे नहीं ऐसे करो। मैं बहुत खुश थी, मैं बहुत मतलब क्या बताऊँ मैं, कुछ चीज़ के बारे में कुछ भी चर्चा नहीं कर सकती,
बस गुरु जी के चमत्कार एक से एक के ऊपर, कुछ मन में डाउट या दुविधा हो गुरु जी तुरंत आंसर करते थे। फिर मुझे गुरु जी के पीले कलर में जो स्वरूप है उनका, मुझे बहुत पसंद है बहुत। फिर मैंने ले आई घर उनको। अब मैं चाहती थी संगत जी कि गुरु जी को मैं 7 तारीख और जिस दिन जन्माष्टमी हो, जिस दिन जन्माष्टमी हो उस दिन गुरु जी मेरे घर पे आए, मैं वही चाहती थी, मैं बहुत खुश थी। और गुरु जी ने उसी दिन मैसेज किए थे, कुड़िए मैं तेरे घर आऊँगा कृष्ण के रूप में। और संगत जी गुरु जी मेरे घर पे आए, लख लख शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। गुरु जी के इतने चमत्कार होते हैं रोज, जब भी कुछ परेशानी हो गुरु जी ऐसा, गुरु जी ये हो गया, गुरु जी ऐसा, तो गुरु जी बटरफ्लाई बहुत आगे पीछे इतने सारे येलो कलर के, मैं इतनी खुश हो जाती थी ना कि गुरु जी मेरे साथ हैं। मैं जब भी बाहर जाऊँ, चलिए गुरु जी आगे पीछे जरा सा बाहर निकलती, तितलियाँ ही तितलियाँ दिखती थी मुझे, फिर ब्राउन कलर की तितली। और जहाँ पे भी नया मकान बन रहा है वहाँ पे जब मैं याद करती थी, वहाँ पे भोलेनाथ जी का मंदिर है, जाके उनके पहले प्रणाम करती थी मैं, फिर जाती थी वहाँ पे अंदर, तो वहाँ पे इतनी तितलियाँ, इतनी तितलियाँ, बटरफ्लाई, इतनी सारी बटरफ्लाई, मैं इतनी खुश हो जाती थी कि संगत जी कि गुरु जी ऑलवेज, मैं बहुत खुश हो जाती थी कोई भी अगर आंसर। फिर जब गुरु जी का स्वरूप मुझे घर पे लाना था संगत जी, मैं सोची पता नहीं घर में सब क्या सोचेंगे, ऐसा ये मन में बहुत दुविधा थी। गुरु जी ने ऐसा चमत्कार दिखाया, ऐसा चमत्कार, सब इतने खुश थे, इतने खुश थे। गुरु जी का मैसेज भी आया था कि मैं तेरे परिवार में सबको एक कर दूंगा। मुझे वो नज़ारा देख के इतना खुश लगा कि किसी ने कोई सवाल सवाल बस इतने पूछे कि गुरु जी कौन है, गुरु जी ये फोटो, हमने बताया उनके बारे में थोड़ा बहुत, हमने कहा आप देख लो आप, तो ये लोग थोड़ा सा हंस भी रहे थे, तो हमने बोला कोई बात नहीं, जब आप भी आप वो चीज़ें होती हैं, किसी के फोर्स में चीज़ें नहीं होती हैं कि कोई किसी को ज़बरदस्ती बोले वो चीज़ें हो, तो वो चीज़ें ज़बरदस्ती वाली नहीं है। संगत जी मैं इतनी खुश हूँ। फिर गुरु जी के मैसेज आते थे, बेटा अपने शेयर कर, अपने शेयर कर, सत्संग शेयर कर, बड़े सत्संग की तैयारी कर ले सत्संग। संगत जी मेरे पास कोई बहुत बड़ा तो नहीं ऐसा कुछ था, लेकिन जो जो मेरे छोटे 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 चमत्कार थे गुरु जी के, सब मैंने बहुत चीज़ों को ध्यान दिया। गुरु जी से जो बोलते गुरु जी वो करते थे। बहुत भी थोड़ा सा लोन वगैरह भी बहुत ज़्यादा ले लिए हैं, तो वही दिन रात टेंशन रहता है कैसे बनेगा, कितना है, क्या नहीं है, कम ना हो जाए, लेकिन गुरु जी के मैसेज एक एक से आते 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 रहते हैं ना, कि मैं इतनी खुश हो जाती हूँ ना कि गुरु जी हमेशा मेरे साथ हैं, मुझे कोई चीज़ की कमी नहीं, अब मेरे गुरु जी ही संभालेंगे। संगत जी आप सभी को जय गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी, मालिक मेरे मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ, मेरे बच्चों पे सब पे ब्लेसिंग करना मालिक, सब के साथ रहिएगा प्रभु, जय गुरु जी, शुक्राना संगत जी, जय गुरु जी।